जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीपीटी करने के पांच ऐसे फायदे जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको बीपीटी कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि बीपीटी करने के बाद में आप किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करेंगे कि बीपीटी के बाद आप किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अब बात करते हैं साथियों, बीपीटी करने के बाद में आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, बीपीटी यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ये आपका 4.5 साल का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जो कि मेडिकल की फील्ड में कराया जाता है। इसके लिए आप CUET एग्जाम देकर के भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में अब जितने भी कॉलेजेस हैं मेडिकल के, उन सभी कॉलेजेस को कर दिया गया है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो अब जितने भी कॉलेजेस में आपको उत्तर प्रदेश में, यदि किसी भी कॉलेज में आपको बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। आपने अपना 12th जो है PCB से किया हुआ हो, और उसमें आपका 60% होना मार्क्स अनिवार्य है। तो ये तो रही बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि बीपीटी करने के बाद में आपके पास क्या क्या कैरियर स्कोप है, आप किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें बीपीटी करने के बाद में यदि आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना है, मेडिकल से आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना है, तो आप बीपीटी के साथ जा सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आपके गेम होते हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो सभी गेम्स में आपके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसमें सबसे पहले जो ग्राउंड पे आते हैं वो कौन से डॉक्टर आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, कि वो इतना ठीक कर सके कि प्लेयर फिर दोबारा से खेल सके। तो यानी कि आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स हैं सभी में किसकी आवश्यकता होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की होती है। तो आप अपना स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट के हैं, फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, तो उन्होंने अपने क्या रखे हुए हैं, पर्सनल अपने फिजियोथेरेपिस्ट रखे हुए हैं, जिनकी जो सैलरी है काफी अच्छी होती है। तो अब बात करें साथियों दूसरे कैरियर स्कोप की। तो दूसरा कैरियर स्कोप है साथियों, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जॉब है वो किसकी जॉब है, सिटिंग की जॉब है। अब उसमें आपका तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी नहीं उठ रही है, बाजू नहीं उठ रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन सबके जो सॉल्यूशन करते हैं, उन सबका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कौन करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। तो आप अपना क्या कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आप अपना अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की। तो तीसरा एडवांटेज साथियों ये है कि यदि आपको डॉक्टर बनना है, एक आपको क्वालिफाइड डॉक्टर बनना है, तो यही एक आपका 4.5 साल में आपको डॉक्टर आपके नाम के साथ में जोड़ता है। यही एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपने नाम के साथ में क्या लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। और इसको करने के बाद में आप अपना हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, आप क्लिनिक पे जॉब कर सकते हैं, आप रिसर्च सेंटर में जॉब कर सकते हैं। तो आप अलग अलग फील्ड में आप अपना जॉब कर सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज की। तो फोर्थ एडवांटेज साथियों ये है कि आपका लो बजट कोर्स है, इसमें आपको ज्यादा फीस खर्च करनी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि MBBS में आपको 11-12 लाख रुपए पर एनएम की फीस होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम मैक्सिमम फीस की बात करें तो 1-1.5 लाख रुपए मैक्सिमम फीस है, और मिनिमम फीस की बात करें तो 50,000 के आसपास से आपकी इसकी फीस रहती है। अब बात करें साथियों फिफ्थ एडवांटेज की। तो साथियों फिफ्थ एडवांटेज है साथियों, इसके अलावा आपको यदि अपना जिम ट्रेनर बनना है, आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाना है, आपको अपना क्लिनिक खोलना है, और भी बहुत तरह तरह की जो चीजें हैं वहां पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बीपीटी करने के बाद में जो कैरियर स्कोप है काफी अच्छा है। बीपीटी के बाद आप MPT करके आप अपना टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। तो बीपीटी आज की डेट में अगर हम बात करें तो मेडिकल लाइन का ग्रोइंग कोर्स है, और इसका जो स्कोप है आने वाला जो समय है वो भी काफी अच्छा रहने वाला है, तो आप बीपीटी कोर्स कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको कोई और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।